नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली मिरर और मैं स्वाति। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हथियार की डिलीवरी करने आए तस्कर मोहम्मद फूल बाबू और मोहम्मद अयूब को हथियार के साथ किया गया गिरफ्तार। मामला नौगछिया का। अवैध बालू खनन करते ट्रैक्टर को पुलिस ने किया जब्त। मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र का। शराब पीकर हंगामा कर रहे युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला कालगांव थाना क्षेत्र का। कोरोना गाइडलाइन को सख्ती से पालन कराने के लिए नाथनगर में फ्लैग मार्च तो कहलगांव में चलाया गया रोको टोको अभियान। एनटीपीसी पुलिस ने आलमपुर मोड़ के पास से 130 बोतल देसी शराब किया बरामद। समाज सेवी छोटू पांडे ने एसडीएम को दिया पत्र। कहलगांव में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की मांग। कहलगांव तथा साकुंड प्रखंड में कोरोना का कहर जारी। कहलगांव में 28 तो साकुंड में 12 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत पर सुल्तानगंज के राजद परिवार के लोगों ने दी बधाई। अब खबरें विस्तार से। नौगछिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियार के दो तस्करों को अपनी गिरफ्त में लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों तस्कर कंट्रीमेंट पिस्टल की डिलीवरी के लिए आए थे, जिसे एसटीएफ पटना की मदद से आज जिला पुलिस द्वारा दबोच लिया गया। मामले में नौगछिया एसपी सुशांत सरोज ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार दोनों तस्करों को एसटीएफ पटना की सूचना पर नौगछिया पुलिस ने भवानीपुर बिरवन्ना चौक पर उस वक्त दबोचा जब वह हथियार की डिलीवरी के लिए पहुँचे थे। सूचना पर आनन फानन में एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में जिला पुलिस बल की एक टीम गठित की गई और मुंगेर जिला के बदह गांव के तस्कर मोहम्मद फूल बाबू और मोहम्मद अयूब को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से पुलिस ने 5 कंट्रीमैन पिस्टल, 10 मैगजीन, 10 कारतूस के साथ 2 मोबाइल भी बरामद किया है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के साथ उनके अन्य सहकर्मी भी थे जो पुलिस की पकड़ से बच निकले, जिनकी शिनाख्त हो चुकी है और जल्द जानकारी मिली थी। कुछ हथियार का सौदागर जो आर्म्स है, इलीगल आर्म्स था, उसका सौदागर या तस्कर कहिए या क्रिमिनल्स कहिए, वो भवानीपुर थाना से अंतर्गत हथियार का किसी को डिलीवरी करने वाला था। ये सूचना हमें दी गई एसटीएफ के द्वारा। तत्क्षण हमने एसटीपीओ के नेतृत्व में टीम गठन किया, जिला पुलिस बल और एसटीएफ का रेड किया गया। रेड के क्रम में बिरबन्ना चौक पर से 2 अपराधी, मोहम्मद फूल बाबू, मोहम्मद अयूब, ये जिला मुंगेर का है, बरदह गांव का है, उनके पास एक बैग था। बैग को सर्च किया गया, ये 5 कंट्री मेड पिस्टल, 10 मैगजीन और 10 कारतूस और 2 मोबाइल बरामद किया गया। वहाँ पर एक दो और क्रिमिनल्स थे जो डिलीवरी लेने आए थे, वो भागने में सफल रहे और उनकी पहचान भी कर लिया है, उसकी गिरफ्तारी बहुत जल्द कर ली जाएगी। कहाँ से ये लोग आ रहे थे सर? ये स्पष्ट है कि वो लोग मुंगेर से ही है ना, मुंगेर से चले थे और वो फॉलो कर रहे थे। और यही सूचना मिली एसटीएफ को, तो फिर ये जानकारी दी गई कि जो बिगन्ना चौक के आसपास कहीं वो है जहाँ हथियार डिलीवरी करने वाला है, इसी सूचना पर ये रेड करने पर बरामद की हुई है। गिरफ्तारी भी दो अपराधी गिरफ्तार भी हुए और उनके द्वारा और लोगों का नाम बताया गया है, जिसका हम सत्यापन कर उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या बताया गया गिरफ्तार लोगों के द्वारा, क्या मकसद था गिरफ्तार लोगों? तो बताया गया कि ये जो हथियार वहाँ से लाया गया है उसे यहाँ पर डिलीवरी की जाती है, फिर जो अपराधी हैं उनसे परचेज करते हैं और उद्देश्य वही था अपराध करना। कहाँ थे ये अपराधी? मैंने पहले कहा कि ये दोनों अपराधी मुंगेर के हैं, बरदह गांव के। थाना क्षेत्र के हड़वा गांव स्थित चांदन नदी में रविवार की सुबह अवैध बालू खनन कर रहे 2 ट्रैक्टर को पुलिस ने जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार जगदीशपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बुढ़िया नदी के कुछ लोग अवैध रूप से बालू खनन का ट्रैक्टर में लोड कर रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस बल के साथ खनन स्थल पर पहुंची तो माफियाओं के द्वारा विरोध किया जाने लगा। पुलिस बल ने शक्ति दिखाते हुए 3 ट्रैक्टरों को अपने कब्जे में लिया है। लोगों की माने तो 1 ट्रैक्टर को पुलिस ने मौके से ही छोड़ दिया है और 2 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया गया है, जहां थानाध्यक्ष महेश कुमार ने फाइन के लिए खनन अधिकारी के पास भेज दिया है। कहलगांव थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार इलाके से शराब पीकर हंगामा करते एक युवक को कहलगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि गांधीनगर निवासी 30 वर्षीय मुकेश कुमार शराब के नशे में हंगामा कर रहा था। इसकी सूचना मिलने पर कहलगांव थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूरा देश कोरोना संक्रमण से जद्दोजहद कर रहा है, जिसको लेकर सरकार के द्वारा कई गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं ताकि संक्रमण से बचा जा सके, जिसके अंतर्गत शाम 4 बजे से सभी दुकानें को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है
और नाइट कर्फ्यू भी जारी है, जिसको पालन कराने के लेकर भागलपुर जिले के नाथनगर थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष महाश्वेता सिंह ने दलबल के साथ नाथनगर में फ्लैग मार्च निकाला और सभी दुकानों को बंद कराया। साथ ही कोविड 19 के नियम के उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर सख्ती से कार्रवाई की गई और मास्क नहीं पहनने वालों को जुर्माना वसूला गया। वहीं कहलगांव में थाना अध्यक्ष श्रीकांत भारती के द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहे सहित सत्कार चौक पर रोको टोको अभियान चलाया गया और बिना मास्क के लोगों से फाइन की वसूली की गई। थाना अध्यक्ष श्रीकांत भारती ने बताया कि बिना मास्क के 3 लोगों से फाइन की वसूली की गई है। वहीं नाथनगर के प्रभारी थाना अध्यक्ष महाश्वेता सिंह ने कोरोना को लेकर सभी को सतर्क रहने, मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की बात कही। अगर कोई भी गाइडलाइन का उल्लंघन करता है पकड़ा जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। राती गश्ती के दौरान एनटीपीसी थाना क्षेत्र के आलमपुर मोड़ के पास से 300 ml का 130 बोतल देसी शराब सहित बाइक बरामद किया गया है। थाना अध्यक्ष हरेंद्र कुमार ने बताया कि बाइक पर बोरे में शराब लेकर धंधेबाज झारखंड की ओर से आ रहा था। आलमपुर मोड़ के पास पुलिस बल की वाहन को देखते ही बाइक छोड़कर फरार हो गया, जिसे एनटीपीसी थाना की पुलिस ने जब्त कर लिया है। कहलगांव प्रखंड में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को अनुमंडल अस्पताल में किए गए जांच में कुल 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए। वहीं साकुंड में 60 लोगों का एंटीजन टेस्ट कराया गया, जिसमें 12 लोग पॉजिटिव पाए गए। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर समाजसेवी छोटू पांडे ने कहलगांव SDM को पत्र लिखकर शहर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने की गुहार लगाई है। साथ ही पिछले 15 साल से हाट रोड स्थित लक्ष्मी गैस, जो कि ऑक्सीजन गैस के बिक्री का कार्य कर रही है, द्वारा इस वैश्विक महामारी में खाली सिलेंडर तक मुहैया नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण ऑक्सीजन के अभाव में कुछ लोगों की जान भी चली गई है। SDM को पत्र देने से पूर्व समाज सेवी छोटू पांडे और भरत रुंगटा तथा कुछ अन्य नागरिकों ने अनुमंडल कार्यालय की गोपनीय शाखा के सामने बैठकर शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को लेकर धरना दिया। राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव संजीव कुमार सुमन ने पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत मिलने पर बंगाल की ममतामयी जनता को कोटि कोटि बधाई एवं हार्दिक साधुवाद दिया है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश बहुत ही कठिन परिस्थिति से जूझ रहा है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर जनता ने अपनी दीदी से भरोसा दिखाया है। यह जनता का स्नेह और विश्वास की जीत है, ममता के कुशल नेतृत्व की जीत है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर विधानसभा चुनाव में सांप्रदायिक शक्ति एवं देश के निजीकरण की ओर ले जाने वाले भाजपा के विभाजनकारी राजनीति को परास्त करने के लिए उप मुख्यमंत्री सह विधायक विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें अपने सहयोग और समर्थन दिया था। जनता दल परिवार भागलपुर सुल्तानगंज की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और अभिनंदन। बस इस आशा और उम्मीद के साथ हम उन्हें और ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हैं कि जिस तरह से जनता ने विश्वास कर उन्हें बहुमत दिया है, उस विश्वास को कायम रखने में जहां तक संभव हो पाए, जिस तरह से उन्होंने पिछले दशकों में अपना काम दिखाया है, उसी काम के सहारे उसी विश्वास को बटोरने में वो अपने आप को समर्पित रखें और इस झूठी सरकार, इस निकम्मी सरकार, इस BJP सरकार को हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकने में जो है कामयाबी हासिल हम सबों को हो सके। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर इसी वक्त मिलते हैं। नमस्कार।